Yes guys, I'm back with last lecture of definite integration. Last lecture in the sense, सिर्फ हमारा फिर उसके बाद में क्या बचेगा इंटीग्रेशन सम ऑफ लिमिट वाला पार्ट जो है वो अपना बच जाएगा इंटीग्रेट बाय यूजिंग सम ऑफ लिमिट. ठीक है, वो लास्ट में करेंगे हम लोग. बट अभी फिलहाल के लिए लास्ट लेक्चर है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन का. अब ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेक्चर में हम लोग देखने वाले कि जो भी सम्स हमारे जो बचे अभी वो हम लोग प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग जो हम लोग ने 8 प्रॉपर्टीज डिराइव की थी. ठीक है, वो प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है बेसिकली ये पूरा लेक्चर. और ये इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंस बनता है इस बात का कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम लोग ने क्या सीखा. ऑब्वियसली वो लिमिट पुट करना है एंड ऑल तो था, बट वो तो सिंपल सा पार्ट है. अगर वो इंटीग्रेट करने आता है तो फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है फिर तो. ठीक है, तो ज्यादा चांसेस तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन वाले सम्स का आने का है. तो इसके लिए लेक्चर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये नहीं कि पहला और सेकंड लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं था, वो भी इंपॉर्टेंट ही था पहले के थी, बट ये उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि प्रॉपर्टीज वाले सम ज्यादा आ सकते हैं. क्लियर है? ठीक है, ओके. नाउ वो भी आ सकते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, फिर कुछ भी हो सकता है, प्रेडिक्टेबल, एकदम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हम लोग, बट ज्यादा चांसेस ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देते हैं हम लोग हर डे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहले सिंपल से सम से स्टार्ट करते हैं एकदम. ठीक है, वो सिंपल सा सम है, लेट आई इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ टेन एक्स डीएक्स. ठीक है, सिंपल सा सम है. सिंपल सा कैसे है हमको तो देख के बिल्कुल सिंपल नहीं लग रहा है. लॉग है और उसमें भी लॉग ऑफ टेन एक्स है. हमको लॉग एक्स तो फिर भी आता है कैसे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके हम लोग करते हैं, बट ये तो लॉग ऑफ टेन एक्स. अब इसको कैसे सर? अच्छा सर, ये कराने के पहले हमको एक बार ना लास्ट लेक्चर का ना रिकैप दे दो, मतलब प्रॉपर्टीज क्या क्या थी ना वो बता दो. ठीक है, तो हम लोग देखते क्या क्या प्रॉपर्टीज पर. सबसे पहला इंटीग्रेशन ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज जीरो, ये सबको पता है, ये बताने का जरूरत भी नहीं था. सेकंड इंटीग्रेशन जीरो से ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, ये भी सबको पता था. ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम एज इंटीग्रेशन ए से लेके बी, ये दोनों लिमिट का एड करके एक्स को माइनस कर दोगे. मतलब इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम एज इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. इसके बाद में इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत यूज में आएंगी. और मैं तुमको हर टाइम एडवाइस करूंगा कि ये दोनों प्रॉपर्टी पे ही पहले सोचो हर टाइम में. ये दोनों प्रॉपर्टी जीरो है तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा, और अगर नीचे कुछ डिफाइंड लिमिट है तो फिर ये प्रॉपर्टी यूज करना, पहले इस पे ही सोचो, मैं ऐसा तुम लोगों को एडवाइस. ठीक है, नेक्स्ट तो नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम एज इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स. क्लियर है? ओके, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी देखा था हम लोग ने? ये तो कितने हो टोटल 6 प्रॉपर्टीज हुए, इसमें से ये तो पहले दो कर दिए थे हम लोग ने. फिर और क्या था? इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम एज माइनस ऑफ बी से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट ये प्रॉपर्टी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज्यादा समझ मतलब ज्यादा कुछ ये करने का जरूरत ही नहीं. ठीक है, इसके बाद में और क्या देखा था हम लोग ने भाई? और क्या देखा है हम लोग ने? और कुछ देखा है? ठीक है, इसके बाद में इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन ये कब भाई? जब फंक्शन इवन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन.
व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन, और मैंने तुमको बताया इवन मतलब क्या, ठीक है, इवन मतलब क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड जीरो व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड, एंड ऑड से मेरा मतलब क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस और एफ ऑफ एक्स, क्लियर है। और एक प्रॉपर्टी था ना, क्या था वो, इंडिपेंडेंट वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, चलो देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड समझेगा जब नीचे वाला और ऊपर वाला लिमिट जो है, नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव है सेम लिमिट में, तो ऑड इवन के पास जाना है, तो समझ जाएगा। बट मैं एडवाइस करूंगा कि हर टाइम जब सब तुम लोगों को सामने दिख रहा है तो पहले ये दो प्रॉपर्टीज के ऊपर से सोचो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों प्रॉपर्टीज से काम बन जाएगा तुम्हारा, क्लियर है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ तुमको, ये समझ रहा है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज, ये कभी काम में आया तो रेयरली, बट ठीक है, ज्यादा काम में नहीं आएगा। और ये तो सिंपल सिंपल है, मतलब इनसे तुम्हारा सम सॉल्व नहीं होगा, इससे क्या होगा कि सेम पता चलेगा कि हाँ वही चीज है, इससे तो क्या उल्टा करना है लिमिट, और ये तो ऑलरेडी पता ही था, ठीक है, ओके। सो देख लो, पहले ये गो थ्रू कर लो पूरे प्रॉपर्टीज, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख के ये तो जीरो और ये ए है, ये एफ ऑफ एक्स है, देख के ज्यादा कुछ समझ नहीं रहा है, बट मैंने बोला ना मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वाला प्रॉपर्टी काम करेगा, तो वाला यूज करते हैं। सिंस इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, so therefore I is equals to integration 0 से लेके pi by 2 log of tan of x के जगह पे क्या भाई pi by 2 minus x dx, so therefore I is equals to क्या मिलेगा, integration 0 से लेके pi by 2 log of tan of pi by 2 minus x क्या हो जाएगा भाई, pi by 2 मतलब चेंज, tan का बनेगा cot, और pi by 2 minus मतलब first quadrant, तो cot क्या हो जाएगा भाई, tan क्या रहता है पॉजिटिव, सब कुछ ही पॉजिटिव, तो cot भी पॉजिटिव, तो log of cot x। बट सर इससे क्या फायदा क्या होगा, इससे कुछ सॉल्व ही नहीं है ना। अब ऐसा करने का अपना बच्चों, ये दोनों को ऐड कर लिया करो हमेशा, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो, हो गया तो सिंपली सॉल्व कर दो, नहीं हो रहा है तो ये दोनों को ऐड कर दो। सो बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा मेरे को, आई प्लस आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय टू लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय टू लॉग ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, क्लियर है। सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय टू, क्या मतलब जीरो से लेके पाई बाय टू टेन एक्स डी एक्स कॉट एक्स डी एक्स सेम ही है, तो क्या मैं इनको साथ में लिखूं, लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉट एक्स द होल डी एक्स, लॉग के बाहर प्लस लॉग के अंदर क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई, तो टू आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय टू log of cot x into tan x dx, और cot x into tan x क्या होता है भाई, cot x into tan x होता है क्या वन, एक हो जाएगा log of वन dx, मेरे को पता है log of वन लेकिन कितना होता है शून्य, और शून्य को मैं कितना भी इंटीग्रेट करूं फाइनली मिलने क्या वाला है शून्य,
देयरफॉर आई का वैल्यू क्या मिलेगा, शून्य। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय टू लॉग ऑफ टेन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है, शून्य। क्या सर जीरो आंसर के लिए इतना सब करा है, ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी ये था जीरो ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम एस ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, जिसमें सी जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है। बट ये प्रॉपर्टी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है, कुछ इतना याद रखेगा जरूर, क्लियर है। तीन मार्क्स के लिए समझेगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एफ ऑफ ए माइनस एक्स अप्लाई करके आगेगा तो समझ ही आएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते, तो जब कुछ नहीं समझ रहा है तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी यूज करो, अप्रोक्सीमेटली 90% केसेस में वो काम कर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नहीं कर रहा है मतलब कुछ तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह है, तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा सोचो फिर उस पर वो समझो, ठीक है। नेक्स्ट लेट आइज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके वन लॉग ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन डी एक्स। अब सबसे पहले तो मेरे को ये ना वन बाय एक्स जमता नहीं है, तो मैं क्या करेगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम कर देगा वन माइनस एक्स बाय एक्स। ये पहला स्टेप ही है, मतलब ये तो करूंगा ही मैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बट अभी लॉग एक्स को बात के कुछ मतलब नहीं है, क्या करूं। एक ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मैं यू इंटू बी अप्लाई करूं वन करके, तो इधर क्या आएगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, फिर कर सकते हैं हमको, ठीक है। पार्ट क्या आगे वो तो कर ही सकते। दूसरा ऑप्शन क्या, मैंने अभी सीखा ना भाई, देखो ना यहाँ पे जीरो और वन ही है, क्या मैं वन वन तो कैंसिल ही होने वाला फाइनली, तो मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं। सो सॉरी सिंस इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम एज इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, देयरफॉर आई इज इक्वल टू जीरो से लेके वन लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स। ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं तो इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन लॉग ऑफ वन माइनस वन प्लस एक्स माइनस माइनस अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स, वन वन कैंसल। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन लॉग ऑफ एक्स बाय वन माइनस एक्स डी एक्स। सर उल्टा हो गया ना सिर्फ, लेकिन इससे कुछ फायदा होगा। सेम लास्ट समझे सर, क्या करूंगा मैं दोनों को ऐड, इसको क्या दूंगा इक्वेशन नंबर वन, इसको क्या दूंगा मैं इक्वेशन नंबर टू। सो देयरफॉर बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा मेरे को, आई प्लस आई इज इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन लॉग ऑफ वन माइनस एक्स बाय एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन लॉग ऑफ एक्स बाय वन माइनस एक्स डी एक्स। सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन क्या मैं बोलू सेम ही है, तो लॉग ऑफ वन माइनस एक्स बाय एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स बाय वन माइनस एक्स द होल का डी एक्स। So therefore 2i is equals to integration 0 से लेके 1 log of 1 minus x by x into x by 1 minus x log के बाहर plus log के अंदर multiply 1 minus x cancel x x cancel। So therefore 2i is equals to क्या मिलेगा 0 से लेके 1 log of
वन डी एक्स, और अपने को पता है भाई लॉग ऑफ वन इज नथिंग बट शून्य, शून्य को मैं कितना भी इंटीग्रेट करूं वो क्या रहेगा, शून्य, ठीक है। सो देयरफॉर आई का वैल्यू कितना, शून्य। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन शून्य से लेके एक लॉग ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन द होल डी एक्स इज शून्य। क्या सर सबका आंसर जीरो ही आने वाला है क्या, देखते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करो। अच्छा क्या ये मेरे को पता प्रॉपर्टी से सिंपल नहीं हुआ ये, क्योंकि अगर मैं वो वाला भी कर सकता था ना यहाँ पे, वो मेथड भी अप्लाई कर सकता था, ठीक है। मैं एक और सम तुम लोगों का ऐसा करूंगा जहां पे तुम लोग ने किया हुआ है वो सम ऑलरेडी, बट वो प्रॉपर्टी से ना दो स्टेप में हो जाएगा, समझा दो वो सम मैं करा दो, वो सिंपल है एकदम। बट यहाँ पे देखो ना, अगर मैं इंटू वन करके करता तो भी हो जाता मेरा काम, ऐसा नहीं कि नहीं होता वहां पे, ठीक है, डी बाई डी एक्स करके, बट वो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता ना भाई प्रोसेस, और मेरे को पता है वन है लिमिट इधर, और ये वन कैंसिल ही होने वाला उसके साथ में, तो मैं वो एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी क्यों ना अप्लाई करो, और उससे फिर यहाँ पे पता चल गया कि उल्टा है और लॉग में दोनों को ऐड करूंगा सिंपल, ठीक है। चलो कोत्रो कर लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे बढ़ते थे। ओके नाउ पहले वो वाला जो मैं बोल रहा था जो कि हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है वो सम देख लेते, ठीक है, फिर हम आगे। तो प्रॉपर्टी वहां पे यूज करो जहां पे तुम लोगों को पता है कि अपना काम सिंपल करेगा प्रॉपर्टी, कहीं पे भी रैंडमली यूज नहीं करना है, जैसे कि अभी ये वाला सम हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, शून्य से लेके पाए एक्स साइन एक्स डी एक्स, कैसे किया था हम लोग ने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके। मैं बोलता हूं ये प्रॉपर्टी से और सिंपल हो जाएगा, कैसे देखते, सिंस इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए f of a minus x dx, therefore I is equals to integration शून्य से लेके pi, ठीक है, pi minus x into sine of pi minus x dx, therefore I is equals to शून्य से लेके pi, pi minus x और sine of pi minus मतलब second quadrant, second quadrant में sine positive और pi मतलब x axis, तो no change, sine का रहेगा sine, तो sine x वापस, इसको 2, इसको 1, मेरे को x उड़ाना है, तो by adding equation 1 and 2, we get, क्या मिलेगा मेरे को, I plus I इस शून्य से लेके पाए x sin x dx प्लस शून्य से लेके पाए पाए माइनस x sin x dx, सो देयरफॉर 2i इज नथिंग बट शून्य से लेके पाए, क्या मैं sin x कॉमन लेके सॉल्व करूं तो एक हो जाएगा x प्लस पाए माइनस x sin x dx माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, बचेगा क्या, टू आई इज इक्वल टू शून्य से लेके पाए पाई साइन एक्स। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई, इससे फायदा हुआ एक्स के जगह पर पाए आया, और पाए जो है वो कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर खींच सकता हूं, पाए शून्य से लेके पाए साइन एक्स डी एक्स, सो दैट इज नथिंग बट टू आई इज इक्वल टू पाए माइनस कॉस एक्स शून्य से लेके पाए, सो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू पाए बाय टू इंटू माइनस ऑफ कॉस पाए माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो, सो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू पाए बाय टू माइनस कॉस पाए इज माइनस वन, तो वन प्लस वन दैट इज पाए बाय टू इंटू टू, टू टू कैंसल, तो आई का वैल्यू क्या पाए, therefore शून्य से लेके पाए इंटीग्रेशन शून्य से लेके पाए
एक्स साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या भाई पाई, और यही एग्जैक्ट आंसर आया रहेगा वहां पे भी, ठीक है। वहां पे इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई करोगे, ठीक है, फिर उसमें साइन का देखना पड़ेगा, साइन को एक्स को बाहर रख के साइन को इंटीग्रेट करके फिर एक्स का डेरिवेटिव लेके फिर साइन को डबल इंटीग्रेट करके फिर सॉल्व करो, यहाँ पे सिंपल वे में सॉल्व होगा दोनों में से कोई भी मेथड, फाइनली तीन चार स्टेप तो लगने वाला है सॉल्व करने, ठीक है। चलो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहां पे मैं एक्चुअली मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और सॉल्व भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टू यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स होता तो इजीली हो जाता था, बट यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स नहीं तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। बाकी क्या कर सकता हूँ मैं, साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पुट करके कुछ मतलब नहीं, उसका डेरिवेटिव तो कॉस टू एक्स आएगा, कॉस टू एक्स बाई टू तो है ही नहीं, सिर्फ कॉस टू एक्स आएगा, सॉरी वो तो है ही नहीं ऊपर फिर। बट मेरे को एक चीज पता है कि जब मैं ए माइनस एक्स करूंगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन का बनेगा कॉस, कॉस का बनेगा साइन, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा मल्टीप्लाई वाला, और जब मैं इनको ऐड करूंगा ना तो इधर ये साइन एक्स पॉजिटिव है उधर वो साइन एक्स नेगेटिव होगा कैंसल, इधर ये कॉस एक्स नेगेटिव है उधर वो कॉस एक्स पॉजिटिव होगा कैंसल, मिलेगा क्या शून्य, आंसर शून्य, क्या सर सबका आंसर शून्य आएगा क्या यहाँ पे, नहीं देखेंगे बाद में बट फिलहाल के लिए देखते हैं सिंस, तो खुद से ट्राई करो ये पॉज करके यहाँ पे पहले फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस पहले खुद से ट्राई करो। चलो वेरीफाई करते हैं, सिंस इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x dx सेम है 0 से लेके a f ऑफ a माइनस x dx, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस x माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स द होल का डी एक्स, ओके। नाउ जीरो से लेके पाई बाय टू तो चेंज साइन का बनेगा कॉस, पाई बाय टू माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव तो कॉस भी पॉजिटिव, माइनस कॉस ऑफ सॉरी कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस कॉस का बनेगा साइन, पाई बाय टू माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव ही रहेगा बट यहाँ पे साइन था साइन नेगेटिव था तो वो वैसे रहेगा, वन प्लस अभी इसका पता है मेरे को कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, सो देयरफॉर क्या मैं इसको लिखूं आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको इक्वेशन टू इसको इक्वेशन वन, सो बाय एडिंग
एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट आई प्लस आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस शून्य से लेके पाई बाय टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल्स टू अरे लिमिट सेम वेरिएबल भी सेम तो वेरिएबल तो ऐसे भी इंडिपेंडेंट है यहाँ पे तो शून्य से लेके पाई बाय टू नीचे वाला डिनोमिनेटर भी सेम तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल देयरफॉर टू आई इज इक्वल्स टू शून्य से लेके पाई बाय टू जीरो बाय वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और शून्य को कितना भी कुछ भी कर लो शून्य ही रहेगा भाई तो टू आई इज इक्वल्स टू शून्य आई इज इक्वल्स टू भी शून्य सो देयरफॉर इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय टू सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स शून्य सर सबका आंसर जीरो ही आ रहा है रॉन्ग तो नहीं कर रहे ना हम लोग कुछ जीरो ही आएगा ठीक है स्टेप्स फॉलो करो फिर जीरो आ रहा है तो मतलब वो जीरो ही था ठीक है ऐसा है बेसिकली ये सिंपल कर रहा है तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी का और कुछ नहीं ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ना आगे बढ़ते शून्य से लेके थ्री एक्स स्क्वायर इंटू थ्री माइनस एक्स फाइव बाय टू डी एक्स ना ये एक ऐसा सम है जिसमें तुम लोगों को प्रॉपर्टी यूज नहीं भी किया तो भी चल जाएगा कैसे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स रेस टू फोर बाय टू और फिर अंदर बेच के बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा ना उधर फिर ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे इसको बट अगर मैंने प्रॉपर्टी यूज किया तो ये थ्री कैंसिल होने वाला है मेरे को फिक्स पता और ये एक्स रेस टू फाइव बाय टू अकेले इधर क्या मिलेगा एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर स्क्वायर का फॉर्मूला आता है कर सकता हूँ ना मैं इसीलिए तो कर सिंस इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू शून्य से लेके तीन एक्स सॉरी थ्री माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू थ्री माइनस ऑफ थ्री माइनस एक्स द होल रेस टू फाइव बाय टू डी एक्स सो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा शून्य से लेके थ्री थ्री का मैं इसको एक्सपांड कर दू पहले तो नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ना थ्री टू सिक्स द होल माइनस थ्री माइनस 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 प्लस एक्स रेस टू फाइव बाय टू डी एक्स
3 माइनस 3 कैंसिल, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या, शून्य से लेके 3, 9 माइनस 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेस टू इन टू एक्स रेस टू 5 बाय 2 डी एक्स, ये मिला ना। अब इधर ऐड करके कुछ मतलब नहीं, क्योंकि लॉग वॉग है नहीं, साइन वाइन है नहीं, कुछ होने नहीं वाला। अब मैं इसको ही आगे सॉल्व करूंगा कैसे, ये एक्स रेस टू 5 बाय 2 को बांट के। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आई इज नथिंग बट शून्य से लेके 3, 9 एक्स रेस टू 5 बाय 2 माइनस 6 एक्स रेस टू 7 बाय 2, भाई ऑब्वियसली ना ये 2 बाय 2, 2 प्लस 5 7 बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 2 तो 9 बाय 2 तो होल डी एक्स। सो क्या मिलेगा, अब इंटीग्रेट कर दो, देयरफॉर आई इज इक्वल टू नथिंग बट 9 एक्स रेस टू 7 बाय 2 अपॉन 7 बाय 2 माइनस 6 एक्स रेस टू 9 बाय 2 अपॉन 9 बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 11 बाय 2 अपॉन 11 बाय 2 जीरो से लेके 3। सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट 2 सब में से बाहर आ जाएगा, अंदर का बचेगा 9 बाय 7 एक्स रेस टू 7 बाय 2 माइनस 6 बाय 9 एक्स रेस टू 9 बाय 2 प्लस 1 बाय 11 एक्स रेस टू 11 बाय 2 जीरो से लेके 3। सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट बांट दो अभी, तो 9 बाय 7 तो ऐसे एक्स थ्री रेस टू 3 बाय 7 बाय 2 सॉरी माइनस 6 बाय 9 इज 2 बाय 3, 3 रेस टू 9 बाय 2 प्लस 1 बाय 11 3 रेस टू 11 बाय 2 और उधर तो जीरो ही होने वाला है। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 इनटू 3 रेस टू 7 बाय 2 इनटू 9 इनटू 3 ना अपॉन 7 माइनस 2 सॉरी 3 नहीं 3 7 बाय 2 बात की 9 बाय 7 2 अपॉन 3 इनटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 11 आया ना भाई, मैंने 3 रेस टू 7 बाय 2 सब में से बाहर ले लिया ना, तो इधर कितना बचा 2 बाय 2 दैट इज 1 3, इधर कितना बचा 4 बाय 2 दैट इज स्क्वायर। सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट 2 इनटू 3 रेस टू 7 बाय 2 इनटू 9 बाय 7 माइनस 6 प्लस 9 बाय 11 ठीक है। सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट 2 इनटू 3 रेस टू 7 बाय 2 क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 9 इनटू 11 माइनस 6 इनटू 7 इनटू 11 प्लस 9 इनटू 7 अपॉन 7 इनटू 11 इसको ऐसे रखो मल्टीप्लाई मत करो देखो कैंसिल होता है क्या। 2 इनटू 3 रेस टू 7 बाय 2 9 11 जा 99 प्लस 9 7 जा 63 7 6 7 जा 42 42 इनटू 11 11 2 जा 22 2 कैरी 11 4 जा 44 462 बरोबर ना भाई। अपॉन 7 बाय 7 इंटू 11 बाहर ले लो माइनस आएगा ना आंसर ठीक है चलो कोई नहीं। सो दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 3 बाय 7 बाय 2 2 इंटू 3 रेस टू 7 बाय 2 अपॉन 7 इंटू 11 ठीक है इंटू करके देखो कितना आता है 99 462 माइनस 162 0 0 300 300 आएगा तो अपने को मिलेगा कितना कुछ एरर नहीं किया ना हम लोग ने क्योंकि आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है देखो 3 इंटू 3 कैंसिल ना तो इधर 2 बचेगा सर तो 2 इंटू 7 इंटू 11 ये हो जाएगा
तो 99 माइनस 1177 इंटू 2 हो जाएगा 154 प्लस 63 यस बराबर ना। अब देखो तो ये कितना मिलेगा फिर 2 × 3 = 7/2 अपॉन 7 × 11 इंटू 162 माइनस 154 हो जाएगा 8 × 2 = 16 कैंसिल तो नहीं हो रहा है तो आई इज नथिंग बट 16 अपॉन 77 इंटू 3 × 7/2 सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 3 एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स द होल रेस टू 5/2 डी एक्स इज नथिंग बट 16 अपॉन 77 इंटू 3 × 7/2 ये फाइनल आंसर है। क्लियर है सिंपल सा सम था बट याद रखना हर टाइम वैसा ऐड करके जीरो नहीं होने वाला है यहाँ पे नहीं होगा ऐड करके कुछ मतलब ही नहीं और तुम लोग अपना काम बनाओगे फिर तो यहाँ पे सिंपल किया है प्रॉपर्टी में उसको आगे सॉल्व करो और 3 × 7/2 तो कॉमन ही आने वाला है। ठीक है चलो स्क्रीनशॉट लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है डन स्क्रीनशॉट ले लिया चलो आगे बढ़ते फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 − t dt। ठीक है खुद से ट्राई है फिर वेरीफाई करने के लिए हम लोग मैं कराऊंगा बट पहले खुद से ट्राई करना है। चलो वेरीफाई करते हैं ऑब्वियसली देखिए पता चल रहा प्रॉपर्टी यूज करना वन कैंसिल करना सो सिंस इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट 0 से लेके 1 माइनस टी द होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 − 1 − t dt so therefore I is nothing but 0 से लेके 1 × 1 − 2t + t² under root of 1 − 1 − 1 + t dt 1 cancel so therefore I is nothing but 0 से लेके 1 root को लिखूं मैं t² into 1 − 2t + t² dt सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट 0 से लेके 1 t² माइनस 2t³/2 ऑब्वियसली 2 ऐड करना है प्लस क्या 2 × 4 = 4 + 1 = 5/2 dt आपका इंटीग्रेट करना है सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट t³/2 / 3/2 माइनस 2t² / 5/2 / 5/2 ठीक है प्लस t² / 7/2 / 7/2 कहां से कहां तक 0 से लेके 1 कुछ कॉमन 2 बाहर डिवाइड का डिवाइड बाहर अंदर क्या 1 × 3/2 / 3 माइनस 2 × 1 / 5/2 / 5 प्लस 1 × 7/2 / 7 माइनस 0 होने वाला है सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट 2 × 1/3
माइनस टू बाय फाइव प्लस वन बाय सेवन। यस आगे क्या करना है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। देयरफॉर आई इज नथिंग बट टू इंटू फाइव इंटू सेवन माइनस टू इंटू थ्री इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू फाइव ना नीचे का थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन। इसको ऐसे ही रखो ठीक है, लास्ट तक ऐसा ऐसे करते जाओ। सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट टू इंटू थर्टी फाइव माइनस टू थ्री जा सिक्स सिक्स सेवन जा फोर्टी टू प्लस फिफ्टीन अपॉन थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन। सो दैट इज नथिंग बट टू अपॉन थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन फिफ्टी फिफ्टीन माइनस फोर्टी टू इज एट। सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट कैंसल नहीं होगा, टू एट जा सिक्सटीन डिवाइड बाय सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव इंटू थ्री इज वन जीरो फाइव, तो सिक्सटीन बाय वन जीरो फाइव ठीक है, क्या मिलेगा 16 बाय 105। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी डी टी इज नथिंग बट 16 बाय 105। सिंपल सा सम है। यस करोगे कुछ से कोई क्या आएगा, नहीं मारेगा तो देखो कितना एरर किया, रेक्टिफाई कर दो। चलो ना आगे बढ़ते नेक्स्ट इज दैट आई इज इंटीग्रेशन ऑफ शून्य से लेके वन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी बहुत बड़ा एरर कर देना अगर मैं ऐसा करता तो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। क्लास है एकदम, ये सब सोचना पड़ेगा इसके बारे में तो ही हो पाएगा। क्लासिक है एकदम ये, ठीक है सोचना पड़ेगा तुमको भाई, ऐसे नहीं होगा ये। मैंने अगर चलो पहले ट्राई कर लो फिर मैं पहले ट्राई कर लो पॉज करके ठीक है। चलो देखते मैं अगर यहाँ पे वो जो नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं वो अगर करूं तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस वन तो वन वन कैंसिल ए लॉग ऑफ एक्स, इधर तो काम सिंपल, इधर वन माइनस एक्स द होल स्क्वायर दैट इज वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन कैंसिल नहीं हो रहा वैसे। मैंने तुमको एक चीज इनडेफिनेट में सिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है पुट करो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब a कितना है यहां पे, वन, तो सो देयरफॉर dx इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा d थीटा ठीक है, देयरफॉर dx इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा d थीटा ठीक है। नाउ लिमिट्स ऑब्वियसली चेंज करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन x इज इक्वल टू शून्य थीटा इज ऑल्सो शून्य
क्योंकि ये क्या इंप्लाई कर रहा है, थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ एक्स, बराबर ना, तो टेन इनवर्स ऑफ शून्य इज शून्य, एंड व्हेन एक्स इज वन थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ वन इज पाई बाय फोर, सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है आंसर। सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करूं, मैं इसको कैसे सॉल्व, अब अगर मैं वो वाला प्रॉपर्टी यूज करता हूं, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, लॉग ऑफ टेन थीटा मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, सिंस इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन शून्य से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन ऑफ पाई बाय फोर माइनस थीटा द होल डी थीटा, सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा डी थीटा, यस, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा डी थीटा, बराबर ना भाई, सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा माइनस सॉरी प्लस वन माइनस टेन थीटा द होल अपॉन वन प्लस टेन थीटा द होल डी थीटा, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टेन थीटा कैंसल, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब आगे सर इधर आके तो वापस अटक गए, हम सर अब आगे क्या मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, तो टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा कैंसल, लॉग टू बचेगा थीटा पाई बाय फोर लॉग टू, ये आंसर है। जिसको इसके आगे का आता है उन लोग करो, जिसको नहीं आता पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का कराऊंगा, ठीक है, चलो। चलो आगे बढ़ते, जिनको नहीं आया आना चाहिए था सबको, बट ठीक है, जिनको नहीं आया उन लोग ध्यान दो। आप आगे देयरफॉर बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा मेरे को, आई प्लस आई इज नथिंग बट इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा डी थीटा प्लस शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा डी थीटा, देयरफॉर
हुआ है इज इक्वल टू शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा प्लस लॉग ऑफ टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा द होल का डी थीटा. सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल टू शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन थीटा इंटू टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा डी थीटा. वन प्लस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा कैंसल. सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल टू टू सॉरी इंटीग्रेशन शून्य से लेके पाई बाय फोर लॉग टू डी थीटा. डी थीटा का इंटीग्रेशन इज थीटा शून्य से लेके पाई बाय फोर. सो देयरफॉर टू आई इज नथिंग बट लॉग टू इंटू पाई बाय फोर माइनस शून्य इज शून्य ओनली. सो देयरफॉर आई इज पाई बाय एट सॉरी पाई बाय फोर नहीं पाई बाय एट लॉग टू. ये फाइनल आंसर है. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का आंसर इज पाई बाय एट लॉग टू. और ये सम बहुत ही तगड़ा सम था. जिसको ये खुद से आया है उन्होंने तो बहुत ही तगड़ा मेहनत किया. उनका दिमाग बहुत तगड़ा इवॉल्व हो चुका है. जिनको नहीं आया जिनको थोड़ा स्टेप्स भी आया मतलब वो लोग ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे आए. ये सम अगर आया एग्जाम में डेफिनेटली चार मार्क्स के लिए आया. और चांसेस ऐसे भी है कि ऐसे टाइप के सम्स तुम लोग को एंट्रेंस में देखने मिले जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखो वहां पे तुमको टेन पुट करना है क्योंकि वो सेक थीटा कैंसिल कर ही देगा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा. फिर चलो कुछ से ट्रैक फिर आगे बढ़ेंगे. स्क्रीनशॉट ले लो मतलब कल तो दिया ही है मैंने. चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा बहुत सिमिलर है सेम चीज में पुट कर देना. थोड़ा बहुत सिमिलर है दैट इज दैट आई इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके ए वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. यस कुछ सेट है माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर सबको पता है साइन या कॉस पुट करना है. खुद से ट्राई इसके लिए मैं बोल रहा हूं ठीक है. ये सब खुद से ट्राई करना. चलो वेरीफाई करते हैं. पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा क्योंकि डेरिवेटिव मेरे को पॉजिटिव चाहिए इसके लिए. प्रॉब्लम नहीं है कॉस पुट किया तो भी नेगेटिव मिलेगा बट उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना. बट मेरे को पॉजिटिव चाहिए था तो मैंने इसके लिए. सो देयरफॉर dx इज a cos थीटा d थीटा. नाउ व्हेन ये सबसे इंपॉर्टेंट है x इज इक्वल टू शून्य x थीटा इज इक्वल टू कितना नहीं पता कैसे पता चलेगा. एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा क्या इंप्लाई कर रहा है थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए.
बराबर ना भाई, x बाय a साइन थीटा, तो थीटा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, शून्य का साइन इनवर्स इज शून्य ओनली, एंड व्हेन x इज इक्वल टू a थीटा इज a बाय a वन, साइन इनवर्स वन इज पाई बाय टू, सो देयरफॉर i इज इक्वल टू शून्य से लेके पाई बाय टू वन अपॉन a साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनटू ए कॉस थीटा डी थीटा। सो देयरफॉर अभी ये ए स्क्वायर कॉमन लेके फिर वन माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर करके फिर वापस रूट कैंसिल करके, उतना टाइम है नहीं। क्या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको बोलू, ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा अपॉन नीचे ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, यस डी थीटा। अरे आया ना आया, वही होगा ना, ये वही होगा ना, ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। क्यों ए स्क्वायर बार ए रूट ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा सब में ए ए ए छुप, तो मिलेगा क्या फिर। सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करो, अब तो नॉर्मली कर रहे थे हम लोग जो प्रॉपर्टी से काम बन रहा था, सेंस कैसे ये कॉस का बनेगा साइन, साइन का बनेगा कॉस, कॉस का बनेगा साइन, ऐड करूंगा कैंसिल होगा वन मिलेगा, बराबर ना भाई, ऐड करके कैंसिल होगा जीरो नहीं मिलने वाला इस टाइम, ध्यान से देखते हैं। चलो देखते सेंस इंटीग्रेशन शून्य से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट शून्य से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा डी थीटा। सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू कॉस पाई का पाई बाय टू का बनेगा साइन, पाई बाय टू माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव, पाई बाय टू साइन का बनेगा कॉस, ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव प्लस कॉस का बनेगा साइन डीटा डी डीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर टू, सबको पता है आगे का क्या करना, देयरफॉर बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट आई प्लस आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। क्या मैं इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को लिखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। सो देयरफॉर टू आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू डायरेक्ट ऐड करूं, क्या मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा कैंसल, दैट इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू वन इंटू डी थीटा। सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई, डी थीटा का इंटीग्रेशन इज थीटा जीरो से लेके पाई बाय टू, क्या मिलेगा ये पाई बाय टू माइनस शून्य दैट इज पाई बाय टू। सो देयरफॉर आई का वैल्यू क्या मिलेगा, पाई बाय फोर। सो देयरफॉर फाइनल आंसर शून्य से लेके ए वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज नथिंग बट पाई बाय फोर। सिंपल सिंपल चीजें करते हैं हम, डन सिंपल, चलो करते हैं। सर क्या पूरा एक्सरसाइज में यही प्रॉपर्टी यूज होगी,
देखेंगे, फिलहाल के लिए तो करते जाओ। नीचे वाला नहीं दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते फिर। अभी नेक्स्ट हम इससे सिंपल सा मैं याद इंटीग्रेशन शून्य से लेके पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये टाइप का सम मैंने करा है एक्स साइन एक्स वाला, सेम टाइप है, खुद से सॉल्व लिया, ठीक है, फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे, पहले खुद से सॉल्व। चलो वेरीफाई करते, सिंस शून्य से लेके a f ऑफ x dx इज नथिंग बट शून्य से लेके a f ऑफ a माइनस x dx, सो देयरफॉर i इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई माइनस x इंटू साइन ऑफ पाई माइनस x इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस x द होल का स्क्वायर dx, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा शून्य से लेके पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस, तो साइन का बनेगा साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो साइन एक्स ही रहे, इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस बनेगा कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव तो माइनस एक्स द होल स्क्वायर है लेके, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा शून्य से लेके पाई माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आगे का स्टेप सबको पता है, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन नंबर वन, सो देयरफॉर बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा भाई, आई प्लस आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस शून्य से लेके पाई माइनस एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई प्लस आई टू आई, यस लिमिट सेम है, वेरिएबल ही सेम है, वेरिएबल से ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता है, तो जीरो से लेके पाई क्या मैं डायरेक्ट ले लू एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स माइनस एक्स कैंसल, देयरफॉर टू आई इज इक्वल टू पाई बाहर ले लो शून्य से लेके पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बाकी इसका इंटीग्रेशन सिंपल क्या करोगे कॉस को टी पुट, तो करते हैं पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर
साइन एक्स डी एक्स इज नथिंग बट माइनस डी टी वेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ जीरो इज वन. यस भाई है ना, कॉस ऑफ जीरो कितना वन. एंड वेन एक्स इज इक्वल्स टू पाई टी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई इज माइनस वन. सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल्स टू पाई वन से लेके माइनस वन बराबर. हाँ भाई हाँ, वन से लेके माइनस वन टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी. सो क्या मैं इसको लिखूं डायरेक्टली पाई वन माइनस वन से लेके वन टी स्क्वायर डी टी. क्या हो जाएगा भाई ये पाई टी क्यूब बाय थ्री माइनस वन से लेके वन. सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल्स टू पाई इंटू वन बाय थ्री माइनस ऑफ माइनस प्लस वन बाय थ्री हो जाएगा टू पाई बाय थ्री. सो देयरफॉर टू आई इज इक्वल्स टू टू पाई बाय थ्री टू टू कैंसल. सो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू पाई बाय थ्री. देयरफॉर इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय थ्री. खत्म तुम्हारा काम. अबे तीन तीन चार चार मार्क्स के लिए सब पूछने वाले भाई, तो कुछ करना नहीं है, प्रॉपर्टी सेम टू सेम अप्लाई करना है. ठीक है, मैक्सिमम केसेस में मैं तुमको बोल रहा हूँ ये 95% केसेस में तुम्हारा ये प्रॉपर्टी और ऑड इवन से सॉल्व हो जाएगा. और ऑड इवन तो तुम लोग को देखने ही डायरेक्टली आता है भाई, माइनस प्लस दिया है तो. और ये वाला तो मैं करा ही रहा हूँ इतना डिटेल में करो. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से. नॉइस के लिए इग्नोर कर रहा हूँ नॉइस को. चलो वेरीफाई करते ना. अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो पूरे एक्सरसाइज का डिफिकल्ट या पूरे चैप्टर का तुम लोग बोल सकते हो सबसे डिफिकल्ट समय. ठीक है, एग्जाम में अगर ये आया तुमको क्लियर कट आइडिया है कैसे करना है. ठीक है, या तुम्हें तुम लोग को अपने दिमाग पे इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग कर ही लोगे तो ही ये अटेम्प्ट करना है, तो नहीं. समझ रहे हो क्या, तुम लोग को अगर अपने दिमाग पे कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग कर ही लोगे ये सब कैसे भी थोड़ा करके तो ही करो, या फिर तुमको पता ही ये सब क्या. ठीक है, मैं तुम लोगों को पहले ही बोल रहा हूँ ये चीज, ऐसा नहीं मैं डराना नहीं हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं तुमको, समझा रहा हूं कि अगर इसके ऑप्शन में कुछ दूसरा रहेगा ना. ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ना फिर कुछ चैप्टर्स अच्छे से करके जाते हैं और अपने को लगता है कि वो चैप्टर्स का फिर करना ही करना. ठीक है, और फिर वो कुछ चैप्टर्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और पता चला कि वो उससे इजी था, तो क्यों फिर मैं इसमें टाइम वेस्ट करूं, मैं वो चैप्टर का कर लूं ना. फिर मैं वो बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहां. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है वो. डाइज इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन लॉग एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. क्लियर है, खुद से सोचो पहले ये सम पे, फिर मैं तुमको बताऊंगा कैसे करना है. पहले खुद से सोचो, अगर आया
तो मतलब तुम लोग नेक्स्ट लेवल पे हो अभी, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस का आया है, होगा तो भी चलेगा, बट याद रखना है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थिन लाइन है, और थिन लाइन को क्रॉस नहीं करना है कभी, ठीक है? Yes, done? चलो देखते हैं ना पहला स्टेप, तो मैं वन माइनस करके कुछ मतलब नहीं है, इधर कुछ होने नहीं वाला है, इधर वन माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब मैं तो साइन और कॉस पुट करना है, इतना समझ चुका, मैं क्या पुट करूंगा, साइन पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर डीएक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप, व्हेन एक्स इज इक्वल टू शून्य थीटा इज इक्वल टू, ये देखना पड़ेगा पहले, x is equal to sin theta implies theta is sin inverse of x, sin inverse of 0 is 0, and when x is equal to 1 theta is pi by 2 by, क्योंकि sin inverse of 1 is pi by 2, so therefore I is nothing but 0 से लेके pi by 2 log of sin theta upon root of 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, देयरफॉर आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा कैंसल, so therefore I is equals to क्या मिला, शून्य से लेके pi by 2 log of sin theta theta, सम इधर से भी पूछ सकते हैं, जीरो से लेके pi by 2 log of sin theta d theta, सम ऐसा भी हो सकता है जीरो से लेके pi by 2 log of cos theta d theta, सेम प्रोसेस यूज करना है, बट ये स्टेप्स उन्होंने इंक्रीज करना है, अब आगे कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम तो इधर से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, ऑब्वियसली मेरे को वो फॉर्मूला वो प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं, सो देखते हैं, सिंस इंटीग्रेशन शून्य से लेके a f of x dx इज नथिंग बट शून्य से लेके a f of a माइनस x dx, सो देयरफॉर I इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू log of साइन ऑफ pi by 2 minus theta d theta, so therefore I is nothing but शून्य से लेके pi by 2 क्या हो जाएगा भाई, ये log of cos theta ना, इसको रिपीट करने का जरूरत है क्या, pi by 2 मतलब चेंज, साइन का बनेगा cos, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, अब ये तो पता ही है जब ये प्रॉपर्टी यूज करते तो ये स्टेप यूज ही करना पड़ता है, so therefore by adding equation 1 and 2 we get I plus I is nothing but 0 se leke pi by 2 log of sin theta d theta plus 0 se leke pi by 2 log of cos theta d theta, iske liye ye dono same, cos theta dete to sin theta banta hai, iske liye same process hai dono ka, samajh rahe ho, agar yahan pe cos theta diya hota to idhar kya banta, sin theta, to same hi cheez hai, so therefore 2i is nothing but 0 से लेके pi by 2 log of sin theta plus log of cos theta d, और ये क्या हो जाएगा भाई, 0 से लेके pi by 2 log of sin theta into cos theta d theta, so therefore 2i is equals to क्या हो जाएगा, 0 से लेके pi by 2 मेरे को क्या, मैं यहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं 2 से, तो ये हो जाएगा log of 2 sin theta cos theta और उसके ही अंदर डिवाइड by 2 d theta, अभी 2 2 कैंसिल मत करो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा भाई, 0 से लेके pi by 2 log of sin 2 theta
डी डीटा डिवाइड बाय टू। अब आगे क्या मैं इसको लिख सकता हूं, फिर 2i इज नथिंग बट 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस, और लॉग ऑफ साइन 2 थीटा माइनस लॉग ऑफ 2 डी थीटा। सम ऑफ द हाफ डन भी नहीं हुआ, पहले इतना कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से इधर तक गो थ्रू करो, फिर मैं आगे कर रहा हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आगे बढ़ते। मैं इधर तक एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले log of x upon 1 root of 1 minus x square dx दिया था ना, root of 1 minus देखा तो मेरे को समझ गया तो साइन या फिर cos, तो मैंने साइन पुट किया क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलता है भाई उसका, तो x is equals to sin theta, theta का इंप्लाइज क्या कर रहा है, theta is sin inverse of x, dx is cos theta d theta, जब x 0 theta 0, जब x 1 theta pi by 2। तो I का कहां से कहां तक मिला, शून्य से लेके पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज I इज इक्वल टू शून्य से लेके पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, बचा गया शून्य से लेके पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा। सम एक्चुअली में यहां से स्टार्ट होगा, या फिर तुम लोग ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम लोग एग्जाम में यहाँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे। क्या करना है पता है अपने को, प्रॉपर्टी जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, शून्य से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट जीरो से लेके पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, साइन पाई बाय टू साइन का बनेगा कॉस, पाई बाय टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव, दोनों को क्या करूंगा मैं ऐड, फिर आगे जाके क्या मिला लॉग ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय टू साइन टू थीटा बाय टू लॉग ऑफ साइन टू थीटा माइनस लॉग ऑफ टू डी थीटा। अब आगे so therefore 2i is nothing but शून्य से लेके पाई बाय टू का मैं इसको लिखूं log of sin 2 theta d theta माइनस शून्य से लेके पाई बाय टू log of 2 d theta। अब आगे मैं इसको लेता हूं, क्या मैं यहां पे अभी मेरे को प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, टू अगर थीटा होता तो ये साइन थीटा हो जाता भाई, और ये किसकी तरह हो जाता अपना जो क्वेश्चन है उसकी तरह, तो मैं टू डीटा को ही पुट कर देता हूं, पुट टू डीटा इज इक्वल टू टी, देयरफॉर टू डी डीटा इज डी टी व्हेन एक्स इज इक्वल टू शून्य टी इज आल्सो शून्य एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू शून्य टी इज आल्सो शून्य एंड when theta is equal to pi by 2, t is pi ना भाई, 2 into pi, 2 into theta by 2 is pi, so therefore 2i is nothing but 0 से लेके pi by 2 log of sorry 0 से लेके pi log of sin t into dt by 2 बराबर ना माइनस शून्य से लेके पाए लॉग ऑफ टू इंटू डी टी बाय टू। बट सर हमको चलो हम लोग ये इसको थीटा भी ले ले क्योंकि इंडिपेंडेंट है, बट ये तो पाए अपने को चाहिए पाए बाय टू, क्या मैं बोलू शून्य से लेके ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो जैसा जीरो से लेके पाई बाय टू के लिए चला वैसे ही पाई बाय टू से लेके पाई के लिए भी चलेगा भाई, सो क्या मैं इसको बोल सकता हूं टू आई इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय टू, लेकिन ऐसा नहीं ट्वाइस ऑफ शून्य से लेके पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी बाय टू, डी टी बाय टू कैंसल माइनस इसको मैं डायरेक्टली लिखू लॉग टू बाय टू बाहर ले लो और अंदर क्या टी किधर से किधर तक जीरो से लेके पाए,
सो देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, शून्य से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी माइनस लॉग 2 बाय 2 इनटू पाई। क्या मैं बोलूं, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ वेरिएबल, सो देयरफॉर 2i इज नथिंग बट शून्य से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 बराबर ना भाई, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। सो देयरफॉर मैं ये सिर्फ रब कर रहा हूं, ये क्या मिला भाई, ये i है ना, सो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 दैट इज नथिंग बट 2i माइनस i इज नथिंग बट माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आए ना, आई जी वर्ष का माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई, पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2 रेस टू माइनस 1। सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज नथिंग बट पाई बाय 2 लॉग ऑफ 1 बाय 2 और वरना नीचे आ जाएगा वो। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन शून्य से लेके 1 लॉग ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फाइनल वैल्यू इज पाई बाय 2 लॉग ऑफ हाफ। समझ रहा है काम खत्म, और ऐसे को ये फिर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे का एक्सप्लेन करूंगा। चलो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अपने को क्या मिला, 2i इज 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2 डी थीटा। ये तो सिंपल, ये हो चुका। अब 2 थीटा नहीं, मेरे को थीटा चाहिए, मेरे को पता है ये इंडिपेंडेंट है, तो मैं क्या करूंगा, 2 थीटा को टी पुट करूंगा। तो 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर डी थीटा इज डी टी बाय 2। जब थीटा शून्य है टी भी शून्य, तो थीटा पाई बाय 2 है, टी क्या है पाई, तो 0 से लेके पाई लॉग ऑफ साइन टी बाय डी टी इंटू डी टी बाय 2 माइनस लॉग ऑफ 0 से लेके पाई लॉग ऑफ 2 डी टी बाय 2 हो जाएगा वो। अब यहां पे मैंने डायरेक्ट यूज किया कंटिन्यूस फंक्शन, तुम लोग ये ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कैसे मैं बताता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाला प्रॉपर्टी पता है ना अपने को, कौन सा वाला, मैं यहां पे लिख लेता हूं। चलो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 से लेके a f of x dx plus integration 0 से लेके a f of 2a minus x dx। तो मैंने वही property ऐसे समझो कि वही property use किया straight forward में, तो एक जाएगा 0 से लेके pi by 2 log of sin t dt plus 0 से लेके pi by 2 log of sin of pi by 2 into 2 is pi minus t dt। तो क्या हो जाएगा भाई, 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी प्लस 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी ना, बराबर ना, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेम क्या मिलने वाला है, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ साइन टी बाय 2, ठीक है ना, समझ रहेगा, डी टी बाय 2 डी टी बाय 2 तो रहने ही वाला है, ठीक है, तो वो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा फिर आगे, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी बाय 2 माइनस लॉग ऑफ 2 बाय 2 डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से लेके पाई तक, देयरफॉर 2i 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी माइनस लॉग ऑफ 2 बाय 2 इंटू टी का, जब मैं लिमिट्स पुट करूंगा तो क्या मिलेगा पाई, 2i इज इक्वल टू क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट है, तो 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2, ठीक है,
सो फाइनली क्या मिलेगा मेरे को, देयरफॉर 2i इज नथिंग बट i माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, तो 2i माइनस i सेट आएगा तो माइनस i इज नथिंग बट i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 लॉग 2 प्लस टू माइनस 1, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ हाफ। क्लियर है? अब ऐसे ये प्रॉपर्टी लिखो है इसके बाद में कि इंटीग्रेशन जीरो से लेके a f ऑफ x dx इज सेम एज इंटीग्रेशन जीरो से लेके a f ऑफ t dt। तो इसके लिए क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। जिसको ये डायरेक्ट करना है उन्होंने डायरेक्ट करो, ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि ये ऐसा है। कभी कभी क्या होगा एग्जामिनर को समझेगा नहीं कि क्यों किया, ठीक है नहीं हो रहा था इसके लिए कर दिया ऐसा लगेगा उसको, तुमको पता है कि तुम्हारे तुम लोग ने क्यों लिया, बट उनको बताने के लिए ये दो स्टेप्स लिखे लो, बेसिकली दो स्टेप्स ही पढ़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो सिंपल था, लॉग साइन थीटा से स्टार्ट हुआ, फिर वापस एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी यूज किया, वो होने के बाद में फिर दोनों को ऐड किया, वो होने के बाद में टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये एक गोल्डन स्टेप है इधर, ठीक है। लॉग टू को सेपरेट किया, फिर टू थीटा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था उसको सब्स्टिट्यूट किया, क्लियर है। उसके बाद में फिर साइन टी डी टी बाय टू बन रहा, अभी डबल सब्स्टिट्यूशन, पहले वो वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है वो वाला तो करना ही था, ये भी करना ही पड़ा ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या जीरो से लेके पाए तो वापस एक और प्रॉपर्टी यूज करना पड़ा, जीरो से लेके टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला, ठीक है। उसके बाद में वापस इंडिपेंडेंट वाला यूज करना पड़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर अपने को मिले। इसके लिए आराम से सोच के कॉन्फिडेंस से तो करो, नो प्रॉब्लम, फिर रोकना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर किधर भी तुमको लग रहा है तुम लोग अटकने वाले हो तो वर्थ नहीं है, अगर तुमको दूसरा पूरा आ रहा है, दूसरा पूरा नहीं आ रहा तो ये करो, शायद से तुम्हारा दिमाग चल गया तो मिल जाएगा। ठीक है चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तुमको चाहिए तुम लोग यहाँ पे ब्रेक ले लो, ठीक है यहाँ पे ब्रेक ले सकते हो तुम लोग, फिर कुछ वगैरह कुछ स्नैक्स वगैरह लेना वो लेके फिर आगे कंटिन्यू करो। अभी 6 सम से बचा है तो मैं ये कंटिन्यू करके खत्म करूंगा पूरा चैप्टर ही, ठीक है। तुमको चाहिए तुम लोग ब्रेक ले लो यहाँ पे पॉज करके, चाहिए तो 5-10 मिनट का, या फिर बाद में कंटिन्यू करना बाद में भी कर सकते, बट मैं कंटिन्यू कर रहा। सिंपल सिंपल समझा ऐसा समझ सकते हो, लेट आई इज माइनस 3 से लेके 3 एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। नाउ मेरे को परिचय देने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, ये क्या है ऑड फंक्शन, सॉरी ऑड इवन क्या है इससे सॉल्व होने वाला है, ये क्या है माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो मैं चेक करूंगा पहले, या f of x is x cube upon 9 minus x square, ठीक है। So therefore f of minus x is nothing but minus of x the whole cube upon 9 minus of minus x the whole square, check करूंगा मैं, ठीक है मिलेगा minus of x cube upon 9 minus x square, क्योंकि minus of x square का plus x square, so therefore f of minus x क्या मिला माइनस ऑफ एक्स क्यूब, क्या मैं इसको लिखूं माइनस बार अंदर एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिला भाई माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर अगर ये माइनस है देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन
ऑड फंक्शन, देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस थ्री से लेके थ्री एक्स क्यूब अपॉन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स शून्य, खत्म है। हाँ बस ये करने खत्म, समझा है। अगर ये इवन होता तो ज्यादा सोचना पड़ता, तो इसके लिए जब ऑड इवन का सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं और तुम दोनों भी रूट यही करेंगे कि वो ऑड मिले, क्योंकि सीधा शून्य हो जाएगा, ठीक है। देख के भी पता चल जाता है कि ऑड है, देख के समझ रहा था। ओके नेक्स्ट, लेट आई इस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर एक्स क्यूब साइन रेज टू फोर एक्स डी एक्स, ठीक है। कुछ से ट्राई ये वाला, ठीक है, कुछ से ट्राई, फिर मैं वेरीफाई कराऊंगा। Yes, done. चलो वेरीफाई करते हैं। क्लियर, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब साइन रेशो फोर एक्स, सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ एक्स द होल क्यूब, क्या मैं बोलू इसको, साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स द होल रेशो फोर, सो ऐसे लिख सकता होगा फिर एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स द होल रेशो फोर, so therefore f of minus x is nothing but minus x cube into minus of sine of x the whole raised to 4, that is nothing but minus x cube sine raised to 4x, so therefore f of minus x is nothing but minus of f of x, hey bhai ye bhi odd, so therefore f of x is an odd function, therefore integration minus pi by 4 से लेके pi by 4 f x cube sin raise to 4x dx is शून्य, ठीक है, सिंपल। दो मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में और फंक्शन का रिलेटेड, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, माइनस फाइव बाय टू से लेके पाई बाय टू लॉग ऑफ टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये वाला फॉर माइनस ए से लेके ए एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, दोनों को सेट रख फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Done?
चलो वेरीफाई करते, पॉज करके करो, नहीं किया तो फिर पहले दोनों भी डन। ओके नाया, अभी एक चीज ऑब्वियस है, ऑड इवन कब चेक करोगे, जब माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, माइनस ए से लेके ए, माइनस बी से लेके बी, माइनस वन से लेके वन, माइनस थ्री से लेके थ्री, माइनस वन से लेके वन, ठीक है, माइनस टू से लेके टू, मतलब माइनस प्लस दिया है लिमिट तो ही, इधर शून्य होता तो मैं ऑड इवन चेक नहीं करता, फिर वो रॉन्ग होता मेरे साइड से, चेक करना है बेसिकली। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऑड इवन क्यों कैंसिल कर रहा है, क्योंकि एक माइनस लिमिट एक प्लस लिमिट है, तो अगर ऑड फंक्शन रहेगा तो वो माइनस होकर कैंसिल कर देगा, इवन रहेगा तो ट्वाइस हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है, वो हम लोग ने देखा है प्रूफ में। तो याद रखना है कब चेक करना है, हर जगह चेक करके जीरो करके आओगे, सर आपने तो ऐसे बताया, मैंने ऐसे नहीं बताया, मैंने बोला है माइनस ऐसे ए की लिमिट के लिए। हियर एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज लॉग ऑफ टू प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज लॉग ऑफ टू माइनस साइन एक्स, ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस ना, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स अपॉन टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब आगे कैसे समझा, ये ऑड है या इवन है, कैसे समझेगा, क्या मैं इसको उल्टा कर दूं भाई, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये क्या लॉग ऑफ टू माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स द होल रेस टू माइनस वन, सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग ऑफ टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स, so therefore f of minus x is minus of f of x na bhai, so therefore f of x is an odd function, so therefore integration minus pi by 2 se leke pi by 2 log of 2 plus sin x अपॉन टू माइनस साइन एक्स डी एक्स इज शून्य। ठीक है, ओके ना वो वाला वेरीफाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर से कुछ कॉमन, x अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर f ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस एक्स 1 प्लस माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस ऑफ माइनस एक्स द होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट माइनस एक्स 1 प्लस माइनस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज अगेन प्लस एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। Therefore, माइनस ए से लेके ए एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज शून्य। पूरे एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेटली 7-8 तो क्वेश्चन शून्य है, देख लेते 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तो शून्य है, ठीक है, चलो ये कर लो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
चलो आगे बढ़ते ना। दो सौ बचे चैप्टर का, तुम ओके स्टार्ट करते। एटाइस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर, एक्स प्लस पाई बाय फोर अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स डीएक्स। ऑब्वियसली ऑड इवन में से क्या है, ऑड या इवन है, चलो पुट किया तो ये माइनस एक्स प्लस पाई बाय फोर अपॉन टू माइनस कॉस तो टू एक्स है, तो माइनस बाहर लो अंदर का अच्छा एक्स माइनस पाई बाय, बट ये तो फंक्शन ही नहीं, अगर मैं नहीं भी दे रहा हूं एक्स इधर तो पॉजिटिव भी थोड़ी मिली। अब कभी कभी ना कुछ कुछ फंक्शंस ना तुम लोग को ना तो पूरा पॉजिटिव मिलेगा ना पूरा नेगेटिव मिलेगा, बट अगर तुम लोग ने वो फंक्शन को स्प्लिट किया ना, कैसे बता दो, ऐसे क्या मैं ऐसा स्प्लिट कर सकता इसको, अब ये सिंगुलर फंक्शन जो है ये कुछ तो मिलेगा ये भी कुछ तो मिले, सो मैं इसको ऐसा करता हूं, क्या मैं इसको ऐसा करूं माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर एक्स अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स प्लस शून्य से लेके सॉरी माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, क्या मैं इसको बोलू फिर लेट I is I1 plus I2, ठीक है, consider एक एक सिंगल सिंगल I1 is nothing but minus pi by 4 से लेके pi by 4 x upon 2 minus cos 2x dx, ये जो function दिया था ये composite function था, ना तो पूरा even ना पूरा odd, but अगर बांटोगे तो एक even एक odd, देखते ये क्या मिलता है, तो here f of x is nothing but x upon 2 minus cos 2x, so therefore f of minus x is nothing but minus x upon 2 minus cos of 2 minus x, और मेरे को पता है cos of minus theta is cos theta, तो minus x upon 2 minus cos 2x मिलेगा, therefore f of minus x is nothing but minus of f of x, बराबर, therefore f of x is an odd function, therefore integration minus pi by 4 से लेके pi by 4 x upon 2 minus cos 2x dx is shun. Next also therefore I1 is also I2 is minus pi by 4 से लेके pi by 4 by 2 minus cos 2x, इसको भी चेक करते हैं, here f of x is pi by 4 upon 2 minus cos 2x, therefore f of minus x is pi by 4 upon 2 minus cos of 2 into minus x, ठीक है, और मेरे को पता है cos of minus theta is cos theta, तो मिलेगा pi by 4 upon 2 minus cos 2x, that is nothing but f of x, therefore f of minus x is f of x, therefore f of x is an
a1 फंक्शन, देयरफॉर आई इज नथिंग बट सॉरी आई टू इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ शून्य से लेके पाई बाय फोर, बराबर ना भाई, ट्वाइस ऑफ शून्य से लेके पाई बाय फोर, पाई बाय फोर अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स डीएक्स। आगे कैसे करना तुमको पता है, सॉरी अगर ये वन होता तो सिंपल हो जाता टू साइन स्क्वायर करके, बट ये टू है तो साइन दिखे या कॉस दिखे कांस्टेंट भी संग होता है ऐसे वाले टर्म में, ओ यार टेन एक्स बाय टू डी पुट होता है, वो करोगे और खुद से सॉल्व कर दोगे आई थिंक इसके आगे। ठीक है, जिनको नहीं आएगा इसके आगे का इधर तक करके पॉज करके फिर करना, जिनको नहीं आएगा उनको मैं करा रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके नाउ स्टार्ट करते हैं आगे का। टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, अब क्या करोगे तुम लोग, पुट क्या 10 x by 2 मतलब 2x को क्या x is equals to t, therefore sec square x dx is dt, therefore 1 plus 10 square x dx is dt, so therefore 1 plus t square dx is dt, so therefore dx is dt upon 1 plus t square। मेरे को मैंने तुमको बोला है कि डायरेक्ट भी कर सकते। Now, when x is equals to 0, t is equals to 0 only, ठीक है? ये क्या imply कर रहा है? X is tan inverse of t. Sorry, t तो t चाहिए ना? तो x 0 है तो tan of 0 is 0 only. And when x is equals to pi by 4, t is 1, I think. Tan of pi by 4 is 1. So therefore, I 2 is nothing but pi by 2, it cancel, 0 से लेके 1, 1 upon 2 minus, ये क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, pi by 2, 0 से लेके pi by 4, one minus 10 square x, upon 1 plus 10 square x dx, so 2 minus 1 minus t square upon 1 plus t square into dt by 1 plus t square, so therefore I 2 is nothing but pi by 2 0 se leke 1 1 upon 2 into 1 plus t square minus of 1 minus t square upon 1 plus t square into dt by 1 plus t square, 1 plus t square 1 plus t square cancel, सुधर का होगा। सो आगे का आई टू इज नथिंग बट पाई बाय टू शून्य से लेके एक, वन अपॉन ब्रैकेट ओपन करूंगा तो टू इंटू वन टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर dt, that is pi by 2 0 से लेके 1 1 upon 2t square plus t square is 3t square plus 2 minus 1 is 1 dt, so therefore I 2 is nothing but pi by 2
इंटू शून्य से लेके एक वन अपॉन रूट ऑफ थ्री टी द होल स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर डी टी, तो ये क्या मिलेगा पाई बाय टू, ये कैसे आता है वन अपॉन ए, ठीक है टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री टी बाय वन बराबर ना इंटू वन बाय रूट थ्री, ठीक है क्योंकि अकेला नहीं है टी, इसके जीरो से लेके कहां तक वन तक, तो कुछ कॉमन दिख रहा है आई टू रूट थ्री कॉमन, तो पाई बाय टू रूट थ्री टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री इंटू वन, ठीक है दैट इज टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स ऑफ जीरो दैट इज नथिंग बट पाई बाय टू रूट थ्री इंटू टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री इज पाई बाय थ्री माइनस शून्य ओनली, सो देयरफॉर आई टू इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय सिक्स रूट थ्री, therefore I2 is nothing but pi square by 6 root 3, therefore integration 0 से लेके क्या है आंसर भाई आंसर क्या बोल रहा हूँ क्या क्वेश्चन भाई माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 x प्लस पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस cos 2 x is nothing but pi square by 6 root 3, ये फाइनल आंसर है ना, तुम लोग ने अगर नोटिस किया रहेगा तो लॉग वाले से ये वाला थोड़ा लेबरस है बट फिर भी ये कर सकते हम लोग, स्टेप जिसका आता है ना अपने को इजीली हो जाता है, जिसका कंफ्यूजन वाला पार्ट है ना वो अगर छोटा भी रहेगा तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो इसके लिए वहां पे लॉजिक ज्यादा काम करेगा कॉन्फिडेंस और लॉजिक, ये तो कोई भी करेगा, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सम लास्ट सम चैप्टर का। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते फिर लास्ट सम पे, फिर अपना इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा इनडेफिनेट भी डेफिनेट भी, इसके बाद में एओडीआई और डीई बचेगा सिर्फ, एओडीआई इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन बचेगा वो कर लेंगे हम, ठीक है यस चलो आसम। अच्छा उसमें एक चीज रह गया था बाकी क्या कि हम लोग ने I2 का वैल्यू निकाला था ना पाई स्क्वायर बाय सिक्स रूट थ्री, तो फिर आगे लिखना है फॉर I इज नथिंग बट I1 प्लस I2 दैट इज शून्य प्लस पाई स्क्वायर बाय सिक्स रूट थ्री, देयरफॉर I इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय सिक्स रूट थ्री, देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर एक्स प्लस पाई बाय फोर अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय सिक्स रूट थ्री, ऐसे लिखना है वो, मैंने शायद से वो डायरेक्ट लिख लिया है आई टू के बाद में, कोई नहीं वो भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा बट ज्यादा बेटर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, नहीं तो पॉज करके लिख लो पहले इसका, चलो ओके नाउ लास्ट सम दैट आई इज माइनस वन से लेके वन एक्स क्यूब प्लस टू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, क्लियर है खुद से ट्राई करो पहले, ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कंपोजिट है, ठीक है चलो नो ऑब्वियसली ये माइनस मिलेगा इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है सो देयरफॉर आई इज नथिंग बट माइनस वन से लेके वन हो गया, तो आ रहा है तो करो पॉज करके फिर वेट करो, वेरीफाई कर खाली को मैं इसको एक्स क्यूब बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, देयरफॉर आई इज नथिंग बट माइनस वन से लेके वन
एक्स क्यूब बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स प्लस माइनस वन से लेके वन टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, ठीक है? ओके, नाउ लेट आई इज आई वन प्लस आई टू, देयरफॉर कंसिडर आई वन इज नथिंग बट माइनस वन से लेके वन एक्स क्यूब बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, ठीक है? हियर एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स क्यूब बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ एक्स द होल क्यूब अपॉन रूट ऑफ माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस फोर, सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन और फंक्शन भाई, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस वन से लेके वन एक्स क्यूब बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स इज नथिंग बट शून्य. ऑल्सो आई टू इज नथिंग बट इंटीग्रेशन माइनस वन से लेके वन अपॉन टू अपॉन सॉरी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स. ना ध्यान से सुनना ये चीज मैं जो बोल रहा हूं, जब ऑड है ना तो करके बताओ ये ऑड फंक्शन के लिए, बट जब इवन है और इजीली सॉल्व हो रहा है ना तो करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. मतलब क्या, अभी मैं इसको इंटीग्रेट करता फिर वो शून्य आने वाला है, ये ऑड देख के समझ आए. बट अगर ये इवन है तो शून्य नहीं आएगा, तो मैं अभी वापस पहले इवन प्रूफ करो फिर इंटीग्रेट करो, सेम ही चीज होगा. तो बेटर क्या, मैं पहले इंटीग्रेट कर ही देता हूं ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई टू इज नथिंग बट क्या मैं इसको लिखूं माइनस वन से लेके वन टू बाहर वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर डीएक्स. मेरे को आता है भाई वन अपॉन रूट का क्या है भाई, टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर. कहां से कहां तक भाई, माइनस वन से लेके वन तक. सो देयरफॉर आई टू इज नथिंग बट टू लॉग ऑफ मोड ऑफ वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ माइनस वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस फोर. सो देयरफॉर आई टू इज नथिंग बट टू लॉग ऑफ मोड ऑफ रूट फाइव प्लस वन माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ डायरेक्टली लॉग ऑफ रूट फाइव माइनस वन. क्या करूंगा मैं दोनों को साथ में, देयरफॉर आई टू इज नथिंग बट टू लॉग ऑफ मोड ऑफ और लॉग ऑफ रूट फाइव प्लस वन अपॉन रूट फाइव माइनस वन, ठीक है? ये फाइनल आंसर है. अगर तुमको इसको रेशनलाइज करना है तो कर सकते हो, टू लॉग ऑफ रूट फाइव प्लस वन अपॉन रूट फाइव प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन रूट फाइव माइनस वन रूट फाइव माइनस वन रूट फाइव माइनस रूट फाइव स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर. सो ये मिलेगा आई टू इज नथिंग बट टू लॉग ऑफ रूट फाइव प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन फाइव माइनस वन, दैट इज टू लॉग ऑफ रूट फाइव प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर. क्या मैं स्क्वायर आगे ले लू, ठीक है? तो ये मिलेगा क्या मेरे को, फोर लॉग ऑफ मोड ऑफ आई टू इज फोर लॉग ऑफ मोड ऑफ फोर ऑफ रूट फाइव प्लस वन अपॉन, ठीक है? अब आगे फिर यहां पे कर लेता हूं. सो देयरफॉर आई इज और सिंस आई इज आई वन प्लस आई टू, देयरफॉर आई इज शून्य प्लस फोर लॉग ऑफ वन प्लस रूट फाइव आई टू,
सो देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस वन से लेके वन एक्स प्लस टू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स इज नथिंग बट फोर लॉग ऑफ वन प्लस रूट फाइव बाय टू फाइनल आंसर. एंड विद दिस हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है. ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा. बहुत ही अच्छा चैप्टर था पूरा हमारा, इंटीग्रेशन रिवाइज हो गया इसमें. ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे का पार्ट दैट इज ए और डी आई स्टार्ट करेंगे और मोस्टली वही लेक्चर में खत्म भी कर देंगे. ठीक है, एक ही लेक्चर में देखते वो. ठीक है, बट ये था जो भी था डेफिनेट इंटीग्रेशन का. सिर्फ एक एक्सरसाइज बचा है, वो छोटा सा पार्ट है, वो बाद में करेंगे हम लोग लास्ट में एकदम. ठीक है, फिलहाल के लिए ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े मतलब खत्म करेंगे फिर. गुड बाय. इट्स डन, स्क्रीनशॉट ले लिया. चलो बाय, हैव अ गुड डे.